मानता हूं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, उस जगह पर पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जिस दिन वो वुमेन फ्रेंडली हो, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर जहां जिले में बाल दिवस के रूप में मनाया गया, वहीं शहर के टीआर नारायण विद्यालय में इसे सुरक्षा संवाद के रूप में भी मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के आरक्षी अधीक्षक डॉक्टर सौर्य सुमन उपस्थित हुए। वहां उन्होंने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया तथा वहाँ उपस्थित बच्चों के मनोभाव को भी परखा और उनके मनोनुकूल सवालों के उत्तर भी दिए। सुनिए इस पूरे सभा में उन्होंने क्या कुछ कहा हमारी इस खास रिपोर्ट में। गलतियों का सुधार सभी के द्वारा करना। आपके सवाल में जिन जिन का नाम लिया गया उस संबंध में तो मैं आपको नहीं बता सकता, उसकी जानकारी रहती है सभी लोगों की किन किन की जिम्मेदारी उस संबंध में रहती है। बट मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सरकारी संस्थान जो प्राइमरी स्कूल होता है और सेकेंडरी एजुकेशन होता है उसमें भिन्नता की बात है। कई ऐसे सर्वेस किए गए हैं जिसमें सरकारी स्कूल का परफॉर्मेंस बेहतर बताया गया है और ये सत्य है। ये धारणा हम लोगों ने बना रखी है कि सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती है। मैं मानता हूं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, बट कई सरकारी स्कूल्स हैं जहां पे अच्छी पढ़ाई होती है, जिसके कॉम्पिटिशन होता है, खास करके यहाँ पे तो नवोदय विद्यालय भी और एक सिमुलतला आवासीय विद्यालय भी। तो जो हीरा और जौहरी की बात है वो बात है कि जौहरी को पता चल जाता है तराशना पड़ता है हीरा, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से बिहार सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस जगह पर पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। एक बेसिक शिक्षा सभी लोग प्राप्त कर लेते हैं। आज लिटरेसी का जो परसेंटेज है वो भी काफी ज्यादा है इंडिया में जो इंडिपेंडेंस के बाद, पर जो शिक्षा जैसी चीज जो है, मैं इसका एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि कई लोगों के साथ लोग पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ते हैं सर, कि क्या बच्चों क्या क्या जो महिला है उसी का मेडिकल टेस्ट कराया जाए और पुरुष का नहीं कराया जाए। ने रेप किया, इस चीज पे भी धीरे धीरे सुधार होते चला आ रहा है। कुछ टेस्ट है जिनको बैन भी कर दिया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट कि जो जस्टिस सिस्टम है, जिस दिन वो वुमेन फ्रेंडली हो जाएगा, जिस दिन हम लोग काम करने लगेंगे इस तरीके से कि ये तो पहले से ही मानसिकता मतलब मानसिक रूप से इनको क्षति हुई है जो इनके साथ हुआ है, बट आई अंडरस्टैंड कि जो बॉडली इंटीग्रिटी है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अ वुमेन, और उसको कोई अगर हैम्पर करता है या ब्रेक करता है तो उससे बुरी चीज कोई नहीं हो सकती। उसके बाद फिर हम मेडिकल टेस्ट करा देंगे, पुलिस के सामने खड़ा कर देंगे। सपोजिटली अगर कोई महिला पुलिसकर्मी वहां नहीं है तो मेल पुलिसकर्मी से आप कितना भी प्रयास कर लेंगे, एक मेल जो पुरुष पुलिसकर्मी होगा अधिकारी होगा वो उस तरीके से संवेदना डेवलप नहीं किया सकता। वो भगवान की बनाई हुई चीज है। अगर पुरुषों में संवेदना होती महिलाओं के लिए तो ये स्थिति ही नहीं आती कि हमको महिलाओं को भी उसी तरीके से इक्वल पार्टिसिपेशन देना पड़ता। तो महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट, मैं सभी आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं और मेरा यह प्रयास है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, जैसे राकेश जी ने आपको प्रॉब्लम के ऊपर ही बताया, प्रॉब्लम्स कई हैं, क्वेश्चंस कई हैं, हम लोग सॉल्यूशंस की बात करते हैं, आंसर्स की बात करते हैं, किस तरीके से उस क्वेश्चन को क्वेश्चन लेस कर दिया जाए, क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ही खत्म कर दिया जाए, तो उस पर बात करना है, वो एक प्रैक्टिकल आंसर है। तो इस तरीके से जो रेप के बाद चीजें होती हैं, चाहे स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर रिपोर्टिंग। तो मेरा तो ये मानना है कि जो ऑफेंसेस हैं बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ They are widely unreported. तो पहली दिक्कत तो यह है कि रिपोर्टिंग नहीं होता है कि ऐसी ऐसी चीजें हुई। आपने एक मूवी आई थी अभी अमिताभ बच्चन की और स्कूल में किया गया, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जो सुरक्षा संवाद है वो मुख्यतः बच्चों के लिए ही यहाँ पे कराया गया था, जो
गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कराया गया था, तो उनके जो प्रॉब्लम्स थे उसके संबंध में लोग डिस्कशन कर रहे थे। इसी में जो पॉक्सो रिलेटेड ऑफेंसेज हो गया या जो स्कूल की छुट्टी के बाद जो ट्रैफिक की दिक्कतें आती हैं उस संबंध में बातें होंगी, और भी विभिन्न जो एक समझिए इंस्पिरेशनल टाइप की जो बात होती है वो भी हम लोग ने और हमारे जो कलीग्स इन लोगों ने इस पर बात की, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि बाकी जगह पर भी हम लोग इसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। एक बच्चे द्वारा बोला गया सर कि बलरामपुर साइड कुछ स्ट्रीट लाइट को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, जिसके कारण उनको भय लगता है वहाँ आने जाने में कोचिंग संस्थान। नहीं, उस संबंध में भी उस संबंध में भी हम लोग आपको जल्दी इसका प्रयास करके और जो प्रशासन से बात करके इसका निराकरण तुरंत करा लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की क्या अहम भूमिका है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो ये रहता है कि अगर कोई भी सुरक्षा के इश्यूज़ है तो उसको तुरंत बताया जाए। तो हम लोग यही प्रयास करेंगे कि सादे लिबास में भी हम लोग जगह जगह पे लोगों को रखेंगे, कि जो पॉइंट है जहाँ पे कोचिंग में भीड़ होती है वहाँ पे हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पे लोग रहें और देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे बच्चों के सुरक्षा को देखा जा रहा है। और ऐसी इस तरह से संवाद हम लोग कराते रहेंगे। कंप्लेंट बॉक्स भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया है और उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सुझाव आएगा और कोई प्रॉब्लम्स आएगा जिसका हल हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। बाल दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के? देखिए, पुलिसकर्मी होने के नाते तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए जो जमुई पुलिस है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर संभव प्रयास कर रही है कि आप लोगों के जो भी इशूज़ हैं उसको हम लोग समझें, संवेदना रखें, संवेदनशील बन के हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी जो जस्टिस वाला जो सिस्टम रहेगा उस संबंध में हम लोग काम करेंगे।